गाइस कैसे आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है एक और खतरनाक सी वीडियो में। तो गाइस आज है स्पाइडरमैन का बर्थडे, तो अभी हम लोग जाने वाले स्पाइडरमैन के बर्थडे पर। और हल्क ने मुझे बोला था कि शी हल्क को भी अपने साथ ले जाने के लिए, तो अभी शी हल्क को भी हम लेकर जा रहे हैं सीधे स्पाइडरमैन के बर्थडे पर। तो फटाफट से कमेंट में लिख देना हैप्पी बर्थडे स्पाइडरमैन। आज तो स्पाइडरमैन के बर्थडे पर बहुत ही मजा आने वाला है। हाँ, आज तो बहुत ही मजा आएगा। ये क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? मेरी बाइक यहाँ पर किसी चीज से टकराई, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? अरे ये क्या चल रहा है? हा, ये सब मैंने किया है। मैं हूँ स्नोमैन और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। अरे अब ये कौन है? ये चलता फिरता स्नोमैन कहाँ से आ गया? ये क्या? ये कैसे हो सकता है? इस स्नोमैन को तो मेरे पति हल्क ने मार दिया था। उस हल्क के बच्चे को लगा मैं मर गया, पर मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या चल रहा है? ये स्नोमैन कहाँ से आ गया? अरे अंकल देखो, मेरा कुछ आपसे नाता नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। तुम हल्क के दोस्त हो और हल्क का दोस्त मतलब मेरा दुश्मन। हल्क मुझे बचा लो। अरे हल्क हमें बचा लो। हल्क तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सबसे पहले तेरी बारी, निकल यहाँ से। अब इस शी हल्क को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। जब तक वो हल्क आकर मुझसे लड़ेगा नहीं, ये शी हल्क मेरे पास ही रहेगी। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ शी हल्क को लेकर। मैं आ गया। यहाँ पर ये क्या चल रहा है? हल्क तुम आ गए। अब ये स्नोमैन नहीं बचेगा। ए स्नोमैन, तुम फिर से कहाँ से आ गए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने शी हल्क और मेरे दोस्त फ्रैंकलिन को मारा। मुझे इसी का इंतजार था, कब तुम आओगे। अच्छा, तुम मेरे से पिटना चाहते हो? तुम मुझे पीटोगे? अभी रुको। अब बताओ कौन किसको पीटेगा? हल्क, मैं बहुत ही ताकतवर हो चुका हूँ पहले से, और तुम अभी भी कमजोर हो। अरे ये क्या? ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये कैसे हो गया? हल्क, अब तुम देखते जाओ मेरी शक्तियाँ। अरे ये क्या हो रहा है? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये दोस्त भी तुम्हारा है ना? तुम्हारे दोस्त को भी तुम्हारे साथ मिला देता हूँ। अरे नहीं, मैंने क्या किया? मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। अरे ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे ये क्या? मैं तो बच्चा बन गया। हाँ, तुम एक बच्चे बन चुके हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें एक सेकंड में मार सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। मैं शी हल्क को लेकर जा रहा हूँ। जब तुम मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो तो आ जाना। अगर तुम जीत गए तो शी हल्क तुम्हें वापस मिलेगी, वरना तुम्हें तुम्हारे दोस्त और शी हल्क को मैं खत्म कर दूंगा। बाय बाय हल्क। अरे हल्क के बच्चे, तूने क्या कर दिया? मैं तो सिर्फ शी हल्क को स्पाइडरमैन के बर्थडे तक छोड़ने आया था, ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे सॉरी फ्रैंकलिन, मैंने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। ये स्नोमैन तो वापस आ गया। अरे अब क्या करेंगे? हमें शी हल्क को बचाना पड़ेगा। अरे पर वो स्नोमैन तो बहुत ही ताकतवर है। हाँ मुझे पता है, वो बहुत ताकतवर है, इसलिए हमें उसके जितना ताकतवर होना पड़ेगा। हमें बेबी हल्क से अपग्रेड होना पड़ेगा। अरे काइजर, ये हल्क ने हमें कहाँ फंसा दिया? अब मैं एक बेबी हल्क बन चुका हूँ और हमें अपग्रेड होना पड़ेगा एक खतरनाक से हल्क में, ताकि हम उस स्नोमैन से लड़ सके। अरे काइजर, हल्क को आपकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जल्दी अपग्रेड हो जाए। और कमेंट में लिख देना अपग्रेड हल्क, ताकि हम बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाएंगे। तो जल्दी कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और हम चलते हैं अपग्रेड होने। तो गाइस अभी हल्क ने मुझे बताया, अगर मुझे सबसे पहला अपग्रेड अपने आप को करना है तो मुझे चाहिए होंगे $100, और उसके लिए मैं आ चुका हूँ यहाँ पर एक खतरनाक से साइकिल चैलेंज पर। आओ बच्चे, तुम्हारा स्वागत है इस साइकिल चैलेंज में। मेरे पास यहाँ पर $1 के 100 नोट्स है, यानी पूरे के पूरे $100, और उसको जीतने के लिए तुम्हें एक अच्छा सा स्टंट दिखाना पड़ेगा। तुम चारों में से जो भी सबसे अच्छा स्टंट दिखाएगा उसको ये पैसे मिलने वाले। क्या तुम पार्टिसिपेट करोगे? हाँ मैं पार्टिसिपेट करूंगा, और ये $100 मैं ही जीत के दिखाऊंगा। अरे तुम स्पाइडरमैन, तुम्हारा स्टंट बहुत गंदा था, तुम होते हो डिस्क्वालीफाई। अरे ये कैसे हो गया? अरे बाबा, स्पाइडरमैन को कौन यहाँ पर लेकर आया? मैं दिखाता हूँ स्टंट कैसे करते हैं। ओड़ी बाबा, ओड़ी बाबा, ओड़ी बाबा, ये कैसा स्टंट था? ये तो कोई स्टंट ही नहीं था। ओड़ी बाबा रुको ना, अभी करके दिखाता हूँ। ओड़ी बाबा ये देखो, बैक फ्लिप। और काइजर ये क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज भी गिर गया। ओड़ी बाबा मैंने आधी बैक फ्लिप तो मारी ना, मैं ही जीतूंगा। हाँ तुम्हारी सही है, तुमने आधी बैक फ्लिप मारी, तुम जीत सकते हो। पर इन दोनों में से अगर किसी ने और अच्छा स्टंट दिखाया तो तुम नहीं जीत पाओगे। मैं तब तक तन दिखाऊंगा। ये दे तो, ये मेला तन दे तो, मेरी बाइक दाएगी ऊपर। और ये देखो फ्रंट फ्लिप, और ये विल बैक फ्लिप। मेले देती टाइटल तो ही नहीं तला सकता, और फिर लैंडिंग भी कर सकता हूँ मैं। बहुत बढ़िया फ्लैश, तुमने बहुत ही अच्छी साइकिल चलाई। स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज तो पक्का नहीं जीत सकते, देखते हैं ये हल्क क्या करता है। तो काइजर, इस फ्लैश के बच्चे ने सही में बहुत ही अच्छी साइकिल चलाई, एक बैक फ्लिप और एक फ्रंट फ्लिप, और बिल्कुल परफेक्ट लैंडिंग भी। देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। हम वापस से यहाँ पर लेकर जाएंगे, फटाफट से अपनी साइकिल को लेकर जाते हैं। और आप देख सकते हो हम आ चुके हैं हवा में। सबसे पहले हम करेंगे एक फ्रंट फ्लिप, फिर से फ्रंट फ्लिप, और रुक जा भी बाकी है। इसके बाद हम करेंगे एक बैक फ्लिप। दो फ्रंट फ्लिप कर ली, और ये एक बैक फ्लिप और कर लेते हैं, और एक और बैक फ्लिप करेंगे। इतनी सारी फ्लिप आज तक किसी ने नहीं करी होगी। और ये क्या, मैं तो सीधा नीचे जा रहा हूं और परफेक्ट लैंडिंग भी कर ली। तो कैसे मैंने टोटल दो फ्रंट फ्लिप और एक बैक फ्लिप मारी, और इसी के बाद एक और स्टंट कर देते हैं। और ये फिर से बढ़िया लैंडिंग। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी साइकिल चला पाएंगे। तो विनर तो सिर्फ फ्लैश या हल्क में से हो सकता है। फ्लैश ने करी एक बैक फ्लिप, एक फ्रंट फ्लिप, और सही से लैंड भी किया। पर हमारे हल्क ने दो फ्रंट फ्लिप, दो बैक फ्लिप, और बहुत ही खतरनाक स्टंट दिखा के परफेक्ट लैंडिंग करी, और वो जीतता है $100। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। तो काइजर अभी हम यहाँ पर $100 जीत चुके हैं। तो काइजर अभी मैंने $100 जीत लिए, और उन $100 का हम यूज करने वाले। देखते हैं हमें कौन सा हल्क का सूट मिलने वाला है। 3, 2, 1। और काइजर अभी आप देख सकते हो हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं $100 वाले हल्क में। और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बेबी हल्क से तो बहुत ही खतरनाक है, पर अभी भी ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हमें शी हल्क को कैसे भी करके बचाना है। और आप देख सकते हो हमारे पंख आ चुके, पर मेरी हड्डियां दिख रही है, और हल्क इतना ज्यादा कमजोर नहीं है। हमें इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिख देना हल्क ओपी। जल्दी कमेंट करो हल्क ओपी, वरना हमारा हल्क कमजोर का कमजोरी रह जाएगा। तो जल्दी कमेंट कर देना, और हम चलते हैं और अपग्रेड होने। अच्छे मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम अपग्रेड होना चाहते हो, मैं तुम्हें अपग्रेड करूंगा। तुम्हें इस खतरनाक सी मेज के अंदर जाना है, और इस मेज में तुम्हें ढूंढने पड़ेंगे 10 थॉर। इस मेज में अलग अलग जगह पर थॉर छुपे हुए हैं। अगर तुमने 10 के 10 थॉर को ढूंढ लिया तो तुम्हें बहुत खतरनाक शक्तियां मिलने वाली है। क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो काइजर अभी इस मेज में जाके हमें ढूंढना है थॉर को। तो चलो फटाफट से चलते हैं और उन थॉरों को ढूंढते हैं। कहाँ हो थॉर? मुझे लगता है अगर मैंने सारे थॉर को ढूंढ लिया तो मुझे थॉर जितनी शक्तियां मिल जाएगी। और ये क्या, मुझे अपना सबसे पहला थॉर मिल भी चुका है। ये ले थॉर, 10 में से 1 मिल गया, 9 बाकी। चलो उनको फटाफट से ढूंढते। तो काइजर अगर आप चाहते हो मैं जल्दी से सारे के सारे थॉर को ढूंढ लूं, तो फटाफट से कमेंट में लिख दो फाइंड थॉर। अगर आप फाइंड थॉर कमेंट करोगे तो मैं जल्दी उनको ढूंढ पाऊंगा। और गुड लक हाइकिंग ना बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी और भी थॉर को ढूंढते हैं जब तक आप कमेंट कर दो। एक थॉर तो हमें मिल चुका है, बस 9 और ढूंढना बाकी है। कहां हो थॉर? मैं आ रहा हूं। ये क्या, यहाँ पर तो रास्ता ही बंद है। बच्चे मेरी बात सुनो, 10 थॉर ढूंढने के बाद तुम्हें इस मेज को एस्केप भी करना पड़ेगा। ओके, हमें इसको एस्केप भी करना है और 10 थॉर भी ढूंढने। चलो फटाफट से काम पर लग जाते हैं। थॉर थॉर कहाँ पर हो तुम? अरे काइजर बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, मुझे तो कोई थॉर मिल ही नहीं रहा। मुझे लगता है आप सबने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तभी मुझे नहीं मिल रहा। तो जल्दी से लाइक कर दो यार, मुझे एक भी थॉर नहीं मिला अभी तक। और ये क्या, बोलते ही मिल गया। और ये वाला थॉर भी गया। तो गाइस हमने दो दो थॉर को ढूंढ लिया, अब 8 थॉर को और ढूंढना है, फिर हम अपग्रेड होने वाले हैं। हम थॉर को इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि हमें थॉर की पावर्स मिल सके, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ये तीसरा थॉर भी हमें यहाँ पर मिल चुका है, फटाफट से इसको मारते हैं, तो मुझे ही मारने लग गया। तो गाइस 3 थॉर हमें मिल चुके हैं, अब 7 यानी 7 थॉर्स को ढूंढना बाकी है। जल्दी जल्दी इनको ढूंढते हैं ताकि हम अपग्रेड हो सके। अरे गाइस मेरे पास एक आइडिया है, मैं जब अपग्रेड हुआ था तो मैं बड़े बड़े जंप कर पा रहा था, तो क्यों ना मैं यहाँ पर बड़ा जंप करूं और सीधा उड़ के चल जाऊं। और यहाँ पर मुझे एक थॉर दिख गया, जल्दी से यहाँ पर नीचे चलते हैं। अभी मैं यहाँ पे गिर चुका हूँ, पर मुझे एक थॉर आसपास कहीं पर दिखा था। चलो चलो इसको फटाफट से ढूंढते, ये तो बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी है। और ये एक और मिल गया। तो गाइस हमने 4-4 थॉर को ढूंढ लिया है, बस 6 थॉर ढूंढना और बाकी है, उसके बाद हम लोग होंगे अपग्रेड। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, मैं कूद के पता कर सकता हूँ, पर मैं ज्यादा देर इसके ऊपर खड़ा नहीं रह पाता, ये घास मुझे नीचे गिरा देती है। तो फटाफट से कूद के पता करते हैं कहाँ है हमारे बाकी के थॉर। और ये यहाँ पर मुझे एक और मिल चुका है, और ये 5वां थॉर भी गया। अब सिर्फ 5 थॉर ढूंढना बाकी है। कहाँ पर हो तुम? मुझे एक और दिख गया, आ गया मैं। और ये 6ठा भी गया, सिर्फ 4 और बाकी। मैं तो बहुत ही ज्यादा क्लोज जाता जा रहा हूँ, सारे थॉर को टूट के फिर हम अब होंगे अपग्रेड। कहाँ पर है बाकी थॉर? जल्दी जल्दी मिल जाओ, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो काइजर फटाफट से बाकी के थॉर को ढूंढते हैं, कहाँ पर हो तुम लोग? और ये क्या, यहाँ पर तो 2-2 थॉर खड़े। फटाफट से एक को मारेंगे, फिर दूसरे को भी मारेंगे। तो काइजर अब मुझे सिर्फ 2 थॉर और ढूंढना बाकी है, सिर्फ 4 बचे थे, उसमें 2 यहीं पर ही मिल गए, तो सिर्फ 2 और ढूंढते हैं, फिर फटाफट से हम होंगे अपग्रेड। और मेज को भी तो एस्केप करना पड़े। कहाँ पर हो थॉर, जल्दी बता दो। यहाँ पर तो मैंने एक थॉर को मारा था, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई मिलने वाला है, पर बहुत देर से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक भी थॉर नहीं मिला है, और मिल गया, ये ले। तो गाइस हमने एक और थॉर को मार दिया और सिर्फ 1 थॉर बाकी है, इसको ढूंढने के बाद हम इस मेज को एस्केप कर पाएंगे। जल्दी जल्दी उसको ढूंढते, मैं सारे रास्ते छान मारे, ये एक इतनी मुश्किल से मिला है, अब वो आखिरी कैसे मिलेगा? ये मेज सही में बहुत बड़ी नहीं है, ये तो बहुत ही छोटी। आखिरी थॉर भी मिल गया और इसको हमने मार दिया। तो गाइस सारे के सारे थॉर हमने मार दिया। और ये क्या, ये तो बिल्कुल एग्जिट पे पड़ा था और हम यहाँ से एग्जिट भी हो चुके। तो गाइस हमने इस मेज को कंप्लीट कर दिया और 10 के 10 थॉरों को भी मार दिया। बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट किया, अब तुम होने वाले हो अपग्रेड। और गाइस अभी आप देख, 1 सेकंड, अरे ये क्या है? मैंने इतने सारे थॉर को ढूंढा और ये क्या बना दिया मुझे? बच्चे तुम बहुत ही पावरफुल हो चुके हो, तुम्हारी मुंडी देखो कितनी बड़ी हो चुकी है। अरे इतनी बड़ी मुंडी का मैं क्या करूंगा? मैंने सोचा था कि मुझे खतरनाक सी थॉर की पावर्स मिलेगी और मैं थॉर रैग्नारोक बनूंगा, पर मैं तो हल्क बड़ी मुंडी बन गया। बच्चे ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका दिमाग एक नॉर्मल हल्क से है। बात तो सही है, हल्क में तो दिमाग ही होता, कोई बात नहीं ये भी चलेगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं एक बड़ी सी मुंडी वाले हल्क में, जो कि ठीक ही है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, हम धीरे-धीरे अपग्रेड हो रहे हैं। पर गाइस शी हल्क को बचाने के लिए ये सही नहीं है, उस स्नोमैन को हराने के लिए हमें और भी ज्यादा खतरनाक बनना पड़ेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, नहीं करा तो, और कमेंट में लिखो हल्क अपग्रेड, ताकि हम जल्दी जल्दी अपग्रेड हो सके। और हम चलते हैं अपने अगले चैलेंज पर अपग्रेड होने। तुम्हारा स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। ये चैलेंज होने वाला है रेड हल्क और ग्रीन हल्क के बीच में, जो भी जीतेगा वो हो जाएगा अपग्रेड। तो काइजर मुझे कैसे भी करके ये चैलेंज जीतना है, अगर मैं नहीं जीत पाया तो ये रेड हल्क का बच्चा जीत जाएगा, और अगर ये अपग्रेड हो गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तुमने सही कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, अपने बाइक्स को लेकर जाना है स्टार्टिंग लाइन से। सबसे पहले रेड हल्क जाएगा, ये सारे के सारे खतरनाक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते करते तुम्हें जाना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन तक। पर याद रखना, एक बार भी नीचे पानी में गिरे तो तुम हो जाओगे डिस्क्वालीफाई। ऐसे कैसे? मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगा और ये ग्रीन हल्क को नहीं जीतने दूंगा। तो गाइस अभी देखते हैं ये रेड हल्क क्या करने वाला है। इस खतरनाक से चैलेंज को क्या ये कंप्लीट कर पाएगा? मैं करके रहूंगा, इस चैलेंज को कंप्लीट करके मैं हो जाऊंगा एक खतरनाक सा रेड हल्क। तो गाइस अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बाइक चला रहा है। आपको क्या लगता है क्या ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएगा? फटाफट से कमेंट करके बता दो। और आप हम दोनों में से किसको सपोर्ट कर रहे हो ये भी कमेंट करके बता देना। अगर रेड हल्क को सपोर्ट कर रहे हो तो कमेंट कर दो रेड हल्क, और अगर मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो फटाफट से कमेंट कर दो ग्रीन हल्क। ये रेड हल्क सही में गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चला रहा है। मैं जीत के रहूंगा, मैं ये चैलेंज जीत के अपग्रेड होऊंगा, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा ग्रीन हल्क। अरे काइजर इसने तो आधा चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और सामने फिनिशिंग लाइन पे दिखने लग गई है। हा हा हा, अरे अरे ये क्या हो गया? और ये क्या, ये तो पानी में गिर गया। रेड हल्क होता है डिस्क्वालीफाई, बड़ी मुंडी वाले हल्क अब तुम्हारी बारी। तो काइजर अभी मेरी बारी आ चुकी है, फटाफट से बैठते अपनी बाइक पर और लेकर चलते हैं इस चैलेंज को, हमें कैसे भी करके जीतना पड़ेगा। तो काइजर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आखिरी बार है, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो गुड लक ग्रीन हल्क। तभी हम इस चैलेंज को जीत पाएंगे और इस चैलेंज को हमको कैसे भी करके जीतना पड़ेगा और अपनी बाइक को यहाँ पर धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, हमें गिरना नहीं है। पता नहीं रेड हल्क ने ये आसानी से कैसे कंप्लीट कर लिया था, पर मुझे तो बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है। धीरे धीरे अपनी बाइक को लेकर जाएंगे और इस चैलेंज को जीत कर दिखाएंगे। फटाफट से यहाँ से लेकर चलते हैं, कुदाते कुदाते भगाते भगाते हमको ये चैलेंज कैसे भी करके जीतना है। तो कैसे अभी आप देख सकते हो आधा चैलेंज मैंने भी कंप्लीट कर लिया है और इसका थोड़ा सा आगे हमारा रेड हल्क गिरा था, पर हमें बिल्कुल भी नहीं गिरना और इसको कैसे भी करके जीतना है। तो यहाँ से चलते फटाफट से, और ये कैन पे रेड हल्क गिरा था तो ये आएगा ऊपर, हम जाएंगे आगे और हम यहाँ से निकलते निकलते जाएंगे और वो कैन यहाँ से जा चुका है और हम भी यहाँ पर आ चुके हैं। और गाइस हम आगे आ चुके हैं रेड हल्क से, बस अब फिनिशिंग लाइन सामने ही है, हमें कुछ भी गलत नहीं करना, बस ये चैलेंज को जीतना पड़ेगा। चलो 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 फटाफट से जीत जाते हैं इस चैलेंज को। और काइजर हम लोग आ गए फिनिशिंग लाइन पर, हमने ये खतरनाक सा चैलेंज कंप्लीट कर लिया और रेड हल्क नहीं कर पाया। बहुत बढ़िया हल्क, तुमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, तुम अपग्रेड होने वाले हो। अरे हम तो अपग्रेड होने वाले हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं खतरनाक से हल्क में, और इस हल्क के 6-6 हाथ है। तो ये सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमारा हल्क बन चुका है। क्या मैं उस स्नोमैन से लड़ सकता हूँ? लड़ तो सकता हूँ पर जीतूंगा कि नहीं वो बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि आपको पता है वो स्नोमैन कितना ज्यादा बड़ा हो जाता है, कभी वो छोटा रहता है कभी वो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें भी एक बड़ा सा खतरनाक सा हल्क बनना पड़ेगा। अभी हम बहुत छोटे और पावरफुल हल्क है, पर हमें बनना है एक बड़ा और पावरफुल हल्क। तो फटाफट से चलते हैं बड़ा हल्क बनते हैं, उसके लिए आपको कमेंट करना है बड़ा हल्क। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख दो बड़ा हल्क और हम जाते हैं एक खतरनाक सा बड़ा हल्क बनने। और मुझे एक बहुत ही इजी तरीका पता है कैसे हम अपग्रेड हो सकते हैं एक बड़े हल्क में। लेट्स गो। तो काइजर अभी लोग हम आ चुके हैं अपने घर पे और यहाँ से हम जाएंगे अपनी घर की छत पर। नहीं पहुंच पाया, इतना खतरनाक हल्क होने के बाद हम छत तक नहीं पहुंच पाते। चलो फटाफट से अभी हम आ चुके हैं और गाइजर हम अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ड का यूज करके एक खतरनाक सा हल्क बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो फटाफट से अपने ड्राइंग मैजिक बोर्ड का यूज करते हैं और एक खतरनाक सा हल्क बनाते हैं जो कि उस स्नोमैन से लड़ पाएगा और शी हल्क को बचा पाएगा। तो गाइजर अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर और इस पर हमें एक खतरनाक सा हल्क बनाना है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तो फटाफट से सबसे पहले उसका फेस बनाएंगे। फेस तो यहाँ पर बन गया। इस बार वाला हल्क कुछ अलग होने वाला है, तो हम इसको यहाँ पर बड़ी बड़ी दाढ़ियां देने वाले हैं। तो पूरे फेस पर होगी इसकी दाढ़ी और इसका यहाँ पर मुंह भी बना देते हैं और इसके आजू बाजू भी पूरी की पूरी दाढ़ी होने वाली है। तो काइजर यहाँ पर इसकी दाढ़ी बन गई। अब इसकी बाकी की बॉडी बनाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे बड़े बड़े शोल्डर्स, उसके बाद इसके बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक हाथ। इसके हाथ सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फटाफट से इनको बना देते हैं और इसका ये पहला हाथ बन गया और यहाँ पर इसको अंगुलियां भी दे दें क्योंकि वो भी जरूरी होता है। तो फटाफट से दे देते हैं और एक हाथ तो बन गया। अब बारी दूसरे हाथ की, यहाँ पर भी फटाफट से बना देंगे और इधर भी इसको फटाफट से अंगुलियां दे देते। तो गाइस। और अभी आप देख सकते हो इसकी अपर बॉडी बस कंप्लीट होने वाली है, फटाफट से कर देते हैं। और ये अपर बॉडी कंप्लीट हो गई, अब इसकी बाकी की बॉडी बनाते हैं। फटाफट से हम इसके खतरनाक से पैर बना देंगे, फिर बड़े बड़े जूते, और यहाँ पर भी वापस से सेम टू सेम बना देंगे। और गाइस सर ये हमारा हल्क बार बार से तो बन गया, पर हम इसको एक खतरनाक हल्क बनाने के लिए एक फ्यूचरिस्टिक हल्क भी बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके लगाएंगे खतरनाक सी मशीन, जिससे मिलेगी इसको बहुत सारी पावर्स। और इसकी चड्डी से ये हम मशीन कनेक्ट कर देंगे। तो फटाफट से ऐसे कर देते हैं। तो गाइस सही में ये वाला हल्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनने वाला है, पर इसको बनाने में अभी हमें टाइम लगने वाला है। अब इसको यहाँ पर हम पिनाएंगे एक बड़ी सी बेल्ट, और इसके फटाफट से इसको जूते भी पिना देते हैं। तो गाइस धीरे धीरे हमारा हल्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता जा रहा है, पर जब ये पूरा बन जाएगा तो और भी ज्यादा खतरनाक लगेगा। बस आप वेट करते रहो। और कमेंट में अभी तक आपने अपग्रेड हल्क कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि इसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके बाद हमें उस स्नोमैन से भी तो लड़ना है। तो गाइस सर अब हम इसके हाथों में बड़े बड़े ग्लव्स देने वाले। ये कोई नॉर्मल ग्लव्स नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक पावरफुल ग्लव्स है, जो कि इसको बहुत ज्यादा पावर देने वाले। तो इसको भी फटाफट से बना देते हैं। एक हाथ का हो गया, यहाँ पर दूसरे हाथ का भी कर देंगे। इसको फटाफट से कर देते हैं यहाँ पर कंप्लीट। और ये दूसरे हाथ का भी ग्लव्स यहाँ पर बन चुका है। अब हम इसको एक खतरनाक सी माला पहनाने वाले, तभी तो ये और भी ज्यादा खतरनाक लगेगा। अब हम यहाँ पे लेंगे एक सर्कल, इसकी माला पे लगाएंगे, एक और सर्कल लेके इसकी माला पे लगाएंगे, फिर एक और सर्कल लेके इसकी खतरनाक सी पूरी माला को हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे सर्कल लगा के यहाँ पर करते हैं और ये डन। तो गाइस सर मुझे तो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। और यहाँ पर इसके 2, 4, 6, 8 और ये 10 एब्स हमने इसको दे दिए हैं। अब फटाफट से इसका बाकी का फेस कंप्लीट कर दी जाए। इसकी आंखें बन गई, इसकी नाक बन गई, इसकी आईब्रो बन गई, और ऊपर से ये टकला होने वाला है। तो गाइस सर हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। फटाफट से ले लेते हैं कलर और इसके अंदर कलर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्राउन कलर लेके इसके शूज में करने वाले हैं। इसके शूज में यहाँ पर हो चुका है और लाइट ब्लू। तो नीचे से हम पूरा शुरू कर रहे हैं ताकि ऊपर तक जा सके। और इसकी पैंट में हम करेंगे डार्क ब्लू, इसकी बेल्ट होने वाली है ब्राउन, ब्राउन रेड, और इसकी जो चड्डी का कलर होने वाला है वो होने वाला है एकदम लाइट ब्लू। तो पूरा का पूरा लाइट ब्लू कर देंगे, उसके अंदर हम थोड़ा डार्क ब्लू भी कर देंगे। तो गाइस नीचे से तो ये बहुत खतरनाक लगने लगा। अब इसकी बाकी की चीजें भी कर देते हैं, जैसे कि ये इसको कलर करना है, इसको करना है। और उसके बाद हम लेंगे गोल्डन कलर और इसकी ये खतरनाक से ग्लव्स के अंदर से भी कर देंगे। फिर ब्राउन कलर लेके इधर कर देते हैं और इसकी जो ये माला है उसको भी हम पूरा गोल्ड का करने वाले हैं। तो गाइस लगभग सब चीजों में कलर हो चुका है, बस इसकी बॉडी में रह गया है। और इसकी बॉडी में हम कुछ अलग खतरनाक कलर करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें वो कलर ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ, हमें कलर मिल गया, पर्पल पर थोड़ा मिक्स पिंक के साथ। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसकी बॉडी में भी हमने पूरा का पूरा कलर कर दिया है। अब हमें इसकी दाढ़ी में कलर करना है। दाढ़ी वैसे तो व्हाइट होती है, पर हम इसकी ग्रे करने वाले हैं। दाढ़ी तो वैसे व्हाइट ही होती है, दाढ़ी इसलिए हम व्हाइट ही रहने देंगे। इसके हाथों में कलर करते और हमारी ड्राइंग हो चुकी है यहाँ पर कंप्लीट। तो गाइस आप देख सकते हो ये कितनी खतरनाक ड्राइंग है। अब हम इसकी पावर बढ़ाने वाले, क्योंकि इसको स्नोमैन से लड़ना है। तो पावर इनटू 1000। और गाइस ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं। और गाइस आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमारा हल्क भी आ चुका है रियल लाइफ में। कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है पर्पल सा हल्क। ये हल्क बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक है लड़ाई में। तो फटाफट से चलते हैं स्नोमैन को दिखाते हैं कौन है सबसे शक्तिशाली हल्क। ओ आखिरकार तुम आ ही गए। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया तुम्हें। कोई बात नहीं, क्या तुम तैयार हो? अरे मैं बिल्कुल तैयार हूँ तुझे खत्म करने के लिए, तेरी तो निकल यहाँ से। तो गाइस सर इस स्नोमैन को आज हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे क्या लगा तू मुझे मार के शी हल्क को बचा लेगा? हल्क के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। स्नोमैन आज हो रही है गर्मी, इसलिए तेरी बर्फ में पिघला के रहूंगा। अरे तुम्हारा खेलना हो गया हो तो ठीक है, इसको मार लेते हैं। तो एडवाइजर, हमें शी-हल्क को जल्दी से जल्दी बचाना है और पूरे लॉस सैंटोस को भी, क्योंकि ये स्नोमैन बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है लॉस सैंटोस को। तुम्हें मेरी असली शक्तियाँ दिखानी पड़ेगी। अरे ये क्या हो गया, ये एकदम से स्नो कैसे गिरने लग गई? अरे फ्रैंकलिन, जितनी ज्यादा स्नो गिरेगी उसकी शक्तियाँ और पावरफुल होगी, उसको जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। अरे काइजर, ये पता नहीं कहाँ से स्नो गिरने लग गई है और ये स्नोमैन का बच्चा ही पागल हो चुका है, हमें इसको जल्दी से जल्दी हराना पड़ेगा। कहाँ फेंक दिया? तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। इधर आ, तेरे को मैं बताता हूँ। इसको उठा के फेंक दे, निकल यहाँ से स्नोमैन। जल्दी से जल्दी ये स्नोफॉल को हमें खत्म करना पड़ेगा अगर इसे हराना है तो फटाफट से इसको मारते हैं। जल्दी चले, तेरी ऐसी की तैसी, वापस उठाएंगे, वापस से फेंकेंगे। मुझे बार बार फेंक के परेशान मत करो, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। पिंक हल्क, पिंक नहीं, पहली बात तो ये पर्पल हल्क है, और मैं तुझे कैसे भी करके मार के रहूंगा स्नोमैन। तो गाइस, इसकी कहानी खत्म करने का टाइम आ चुका है। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, ये बर्फ तुम्हें हमेशा के लिए जमा देगी। अगर मैंने इसको खत्म कर दिया तो ये बर्फ भी खत्म हो जाएगी, और स्नोमैन और स्नो का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और इस स्नोमैन को हम लेकर जाने वाले हैं पानी में, ताकि ये पानी में पिघल जाए और लॉस सैंटोस में वापस कभी ना आए। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो काइजर, इस स्नोमैन को बाय बाय टाटा बोलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ये जाने वाला है पानी के अंदर। एक सेकेंड, ये पानी तो गहरा नहीं है, अंदर निकल यहाँ से। और काइजर, इसी के साथ लॉस सैंटोस का मौसम वापस से हो चुका है बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि स्नोमैन मर चुका है। और काइजर, हमने लॉस सैंटोस और शी-हल्क को बचा लिया है उस खतरनाक से स्नोमैन से, और हम इतने खतरनाक से हल्क भी बन चुके हैं। तो काइजर, आज की वीडियो से ही, अगर आपको आज वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस, इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन पे वहां पे जाके ज्वाइन और फॉलो करना, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।